तो दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ गैलेक्सी A50s और A30s के बीच फुल कंपैरिजन, क्योंकि सैमसंग के दो लेटेस्ट डिवाइसेज अभी मार्केट में आए हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो प्राइस का डिफरेंस है उस प्राइस के डिफरेंस के अकॉर्डिंग इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कैमरे के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, तो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ आज क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। डिज़ाइन की बात करें तो भाई यहाँ तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा A50s और A30s के डिज़ाइन में। यहाँ मतलब बैक पर आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेज एकदम प्रीमियम और खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं। अब ये आपको कितना पसंद आता है वो अलग बात है, लेकिन अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। खास क्या, कोई डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे की पोजीशन ले लो या फिर कह लें लोगो की, सारी चीजें एकदम सेम है। हाँ, लेकिन बात करें फ्रंट की तो यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि गैलेक्सी A50s में दिया गया है आपको यू टाइप नॉच डिस्प्ले यानी कि इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, वहीं गैलेक्सी A30s में आपको मिलता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी का डिजाइन दोनों का ही बिल्कुल सेम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दोनों में ही टाइप सी पोर्ट मिलता है, ट्रिपल स्लॉट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही डिवाइसेज में आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। बात करें अब यहाँ अगर डिस्प्ले की तो गैलेक्सी A50s में आपको मतलब 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पीपीआई लगभग 403 के आसपास, वहीं गैलेक्सी A30s में आपको मिलेगा 6.4 इंच का एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पीपीआई है इसका 268, यानी कि दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो कलर्स में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी व्हाइट कलर की बात करें तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। A30s में जहां व्हाइट कलर में थोड़ी सी रेड टोन शो होती है, तो वहीं गैलेक्सी A50s में थोड़ी सी येलोनेस, बाकी का कलर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए, कंपेयर की बात की जाए, तो वहां गैलेक्सी A50s में कलर्स ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। इसके अलावा PPI भी गैलेक्सी A30s के डिस्प्ले का उतना नहीं है, मतलब हाई रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको मिलता है A50s में, तो डिस्प्ले की शार्पनेस भी गैलेक्सी A50s की ज्यादा है एज कम्पेयर टू A30s। बात करें अगर UI फीचर्स के बारे में तो दोनों ही डिवाइसेज एंड्रॉइड पाई यानी कि एंड्रॉइड 9 पर रन करते हैं, और दोनों में ही आपको मिलता है सैमसंग का वन UI का वर्जन 1.5। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही लगभग सेम मिलते हैं, जैसे कि साइड की का ऑप्शन दिया गया है, इसके अलावा लिंक टू विंडोज़ का ऑप्शन है, स्मार्ट पॉपअप दिया गया है, कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसके अलावा गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स, डुअल मैसेंजर, ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही डिवाइस में मिल जाती हैं। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज में वॉलपेपर एंड थीम का ऑप्शन है, और एंड्रॉइड पाई का कोर फीचर डिजिटल वेलबींग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग का सिस्टम मिलता है, तो फेस अनलॉक सिस्टम दोनों का ही कमाल का है। दोनों में ही आपको ये डिसाइड करने का ऑप्शन मिलता है कि आँख बंद करने के बाद आपका फ़ोन अनलॉक ना हो, जो कि पहले नहीं था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब चलिए एक बार ट्राई करते हैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस को कि वो किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों की परफॉर्मेंस एकदम कमाल की है, एक्यूरेसी दोनों की एकदम अमेजिंग है, लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो थोड़ा सा गैलेक्सी A50s फास्ट है। इसके अलावा ये है आपके दोनों ही डिवाइसेस का क्विक एक्सेस पैनल, जहां पर जरूरी सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे लिंक टू विंडोज़, QR स्कैनर, ब्लू लाइट फिल्टर, पावर सेविंग मोड, इसके अलावा सिक्योर फोल्डर, NFC भी दिया गया है। अब A50s में आपको एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कि एक तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा जो कि मेरा फेवरेट है, ये आपको A30s में नहीं मिलेगा। इसके अलावा A50s में आपको एज लाइटिंग भी मिलेगा जो कि गैलेक्सी A30s में नहीं है। बाकी का दोनों में ही आपको नाइट मोड मिल जाता है, किड्स होम मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है हेडफोन पर। कैमरे की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलता है रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट पर सिंगल कैमरा। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की तो A50s में प्राइमरी कैमरा रियर पर मिलेगा 48 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज F2.0, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, 32 मेगापिक्सल का यहां मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है F2.0। वही बात करें अगर A30s के बारे में तो यहाँ रियर पर मिलता है 25 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 1.7, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो वो दोनों में ही लगभग सेम देखने को मिलेंगे, जैसे दोनों में ही आपको मिल जाता है फूड मोड, इसके अलावा पैनोरामा मोड, इसके अलावा प्रो मोड, इसके अलावा लाइव फोकस यानी कि पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा वाइड फोटोज़ का ऑप्शन, अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ का ऑप्शन, शीन ऑप्टिमाइजर, इसके अलावा स्लो मोशन का ऑप्शन। अब A50s में आपको हाइपर लैप्स यानी कि फास्ट मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन भी दिया गया है, और नाइट मोड भी मिलेगा जो कि गैलेक्सी A30s में नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। अब गैलेक्सी A30s से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वही A50s में आपको अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो डिटेल कंपैरिजन के लिए आप मेरा अलग से बनाया गया कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन शॉर्ट बात करें तो मैक्रो शॉट में आपको गैलेक्सी A50s पर ज़्यादा अच्छी कलर टोन देखने को मिलेगी और उस कंडीशन में गैलेक्सी A30s के पिक्चर्स आपको वॉश आउट नजर आ सकते हैं। हालांकि A30s से भी आप अच्छे मैक्रो शॉट ले सकते हो, लेकिन जब दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में A50s क्लियरली अमेजिंग पिक्चर्स देता है एज कम्पेयर टू A30s। इसके अलावा डिटेलिंग की बात करें तो ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस से आपको मिलती है 12 मेगापिक्सल की फोटो और वहां डिटेलिंग में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस में एकदम बैलेंस एक्सपोजर लेवल देखने को मिला है, जबकि ये फोटोज मैंने दोपहर में कैप्चर किए थे। इसके अलावा अच्छी डायनेमिक रेंज भी देखने को मिली है। गैलेक्सी A30s में आपको रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप यहां देख सकते हो, लेकिन सेम कंडीशन में A50s एकदम अच्छा परफॉर्म करता है। 48 मेगापिक्सल और 25 मेगापिक्सल यानी कि हाई रेजोल्यूशन फोटोज की बात करें तो यहां गैलेक्सी A50s में आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A30s। इसके अलावा कलर टोन की बात करें तो वो भी यहाँ गैलेक्सी A50s में ज़्यादा अच्छी है। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो दोनों से ही आप कमाल के अल्ट्रा वाइड फोटोज़ ले सकते हो और यह मुझे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दोनों ही डिवाइसेस के पिक्चर्स में अच्छी डिटेलिंग देखने को मिली और डायनेमिक रेंज भी कमाल की थी। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। एज डिटेक्शन दोनों का एकदम कमाल का है, लेकिन कलर टोन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। गैलेक्सी A50s में जहां मिलती है आपको नेचुरल स्किन टोन, तो वहीं गैलेक्सी A30s में थोड़ी सी अनहेंस स्किन टोन मिलती है और दोपहर के टाइम थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का भी इशू देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी A30s में दोपहर के टाइम डायनेमिक रेंज का इशू देखने को मिलेगा और उस कंडीशन में आपको काली काली स्किन टोन देखने को मिल सकती है, लेकिन सेम कंडीशन में A50s एकदम अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि फ्रंट कैमरे के एज डिटेक्शन की बात करें तो वो दोनों का ही एकदम अमेजिंग है। और सेल्फी की बात करें तो मुझे दोनों की सेल्फी एकदम अमेजिंग लगी। जैसे दोपहर के टाइम अगर छोड़ते हैं, सुबह शाम की बात करें तो दोनों से ही आप अमेजिंग सेल्फी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट टाइप की, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये आपका ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी गैलेक्सी A50s कम्प्लीटली गैलेक्सी A30s को बीट करता है। आपको बेटर फोटोज़ मिलती हैं सेम कंडीशन में। इसके अलावा A50s में नाइट मोड भी दिया गया है, जो कि आपको गैलेक्सी A30s में नहीं मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो गैलेक्सी A50 से आप अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये जो आप अभी सैंपल देख रहे हो दोनों ही डिवाइसेस के रेयर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल HD का वीडियो सैंपल है। अब अल्ट्रा HD के अलावा गैलेक्सी A50s में आपको EIS का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन, और डिफरेंस आप यहां देख ही सकते हो। A50s के वीडियोस में आपको अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा वाइट बैलेंस का भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, जबकि A30s में कभी कभी ये इशू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सुपर स्टडी मोड भी आपको दिया गया है गैलेक्सी A50s में, जो कि आपको गैलेक्सी A30s में नहीं मिलेगा। स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो यहाँ भी गैलेक्सी A50s बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल स्लो मोशन की बात करें तो वहाँ 240 fps पर आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है A50s से, तो A30s से होता है 120 fps पर। इसके अलावा 480 fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन आपको A50s में मिल जाएगा, जो कि A30s में नहीं है। बात करें अगर हार्डवेयर की तो गैलेक्सी A50s में आपको मिलता है एक्जिनोस का 9610 प्रोसेसर और माली G72 MP 3GPU। वही बात करें अगर गैलेक्सी A30s के बारे में तो वहां आपको मिलेगा एक्जिनोस का 7904 प्रोसेसर और माली G71 MP 2GPU। इसके अलावा गैलेक्सी A50s में आते हैं दो वेरिएंट। पहला है 4GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस 23,000 था लॉन्चिंग टाइम पर, और अभी 8-10 दिन के अंदर ही आज कंपनी ने इसके 2000 रुपये कम कर दिए, यानी कि अभी ये आपको मार्केट में 21,000 रुपये का मिलेगा। दूसरा वेरिएंट आता है A50s का 25,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, जिस पर भी 2,000 रुपये कम है, और वो भी आपको अभी 23,000 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। वहीं बात करें A30s के बारे में तो अभी वहां पर केवल एक ही वेरिएंट है, 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी, और उसका प्राइस है 17,000 रुपये। अब परफॉर्मेंस की बात करें हार्डवेयर की तो भाई जमीन आसमान का फर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कॉमन यूज़ की बात करें, मल्टीटास्किंग की करें या फिर गेमिंग की करें, हर चीज़ में गैलेक्सी A50s गैलेक्सी A30s से बेहतर है। प्रैक्टिकली बात करें अगर गेमिंग की तो PUBG जैसे गेम के लिए यहाँ गैलेक्सी A30s हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है, तो वहीं A50s में आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा, अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलेगा, इसके अलावा स्मूथ ग्राफिक्स पर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। यानी कि गैलेक्सी A50s पर आप PUBG जैसे गेम एकदम स्मूथली बिना किसी लैग बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हो। वहीं बात करें गैलेक्सी A30s के बारे में तो हाई ग्राफिक्स पर आप PUBG इतना अच्छे से प्ले नहीं कर सकते, हालांकि बैलेंस और स्मूथ ग्राफिक्स पर आपको वहां अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल हार्डवेयर परफॉर्मेंस में गैलेक्सी A50s कंप्लीटली A30s को बीट करता है।
बात करें अगर बैटरी परफॉर्मेंस की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और बैटरी परफॉर्मेंस दोनों की लगभग मुझे सेम देखने को मिली, वहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो दोस्तों यही था मेरा गैलेक्सी A50s और गैलेक्सी A30s के बीच फुल कंपैरिजन। जो प्राइस का डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो UI फीचर्स हो, चाहे वो डिस्प्ले, चाहे वो हार्डवेयर, चाहे वो कैमरा, हर चीज़ में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। और A50s का प्राइस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ड्रॉप हो गया, 2000 रुपये भी कम में मिलेगा, यानी कि 21000 का हो गया है 4GB 128GB वाला वेरिएंट। तो यही था इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच फुल कंपैरिजन। मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इंडिया। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।